हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से मेरी सिस्टर का टेरेस दिखा रही हूँ आपको, जहाँ पर पॉट्स में ही बहुत सारी वैरायटीज़ के फ्लावर्स एंड प्लांट्स लगाए हुए हैं। और मैं हर बार जो वीडियो बनाती हूँ वो सिर्फ मोटिव एक ही है कि अगर किसी के पास टेरेसेस हैं और वो खाली पड़े हुए हैं तो आप वहाँ पर पॉट्स देखिए किसी भी तरीके के चलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के पास ड्रम नहीं है तो आप ड्रम खरीदिए, या क्यारियाँ नहीं हैं तो क्यारियाँ बनाइए। जो चीज़ तरीके बहुत सारे हैं प्लांट्स लगाने के या सब्जियाँ उगाने के, कि आप उनको किसी भी तरीके से मैनेज करके कर सकते हैं। ये देखिए, खाद के लिए कंटेनर पूरा भरा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे पूरा का पूरा ग्रीन लीव। ये जो टेरेस से जो भी वेस्ट निकला है सारा का सारा इनके अंदर भरा हुआ है, ये सब कंपोस्ट में कन्वर्ट होगा और सारा जो है प्लांट्स को दिया जाएगा। क्योंकि जो भी हम ऑर्गेनिक या जैविक बागवानी करते हैं उसमें यही चीज़ें हमारी काम आती हैं कि जो हमने मिट्टी से लिया है वापस उसको दे दीजिए। देखिए, ये छोटी सी क्यारी है जिसके अंदर मूली और पत्ता गोभी उगी हुई है, और पालक अभी पानी डाला है तो वो सारा का सारा लेट गया है पानी के प्रेशर से, पूरे में पालक उगा हुआ है। ये मल्टी क्रॉपिंग वाला कॉन्सेप्ट है। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या कंटेनर्स में से इतनी सब्जियां मिल जाती हैं कि आपकी पूरी फैमिली के लिए सफिशियंट हो। तो देखिए, अगर आपके पास छोटा सा भी टेरेस है तो आप उसके उस पर अपनी फैमिली के लिए तो वेजिटेबल्स आसानी से ग्रो कर सकते हैं, और बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक सब्जियाँ आप खा सकते हैं। बस थोड़ी सी मेहनत और अगर इच्छा है, मैं हमेशा अपने वीडियोस में मेंशन करती हूँ, जहाँ पर चाह है वहाँ पर राह अपने आप निकल आती है। मेरी सिस्टर भी या हम कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग खेती बाड़ी शुरू से करते रहे हों, ये सब हमने सिर्फ 2 साल पहले ही स्टार्ट किया है। पहले मैंने स्टार्ट किया एंड मैं तो सबको देखिए यही मोटिवेट करती रहती हूँ कि सब लोग अपने अपने जगह को यूटिलाइज करिए और एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा जो भी आप उगा सकते हैं वो ज़रूर उगाइए। ज़रूरी नहीं है सबके पास बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स हों। देखिए, मैं अपने टेरेस का दिखाती हूँ, मेरे पास बहुत छोटे छोटे से कंटेनर्स हैं लेकिन मैं उनमें भी ग्रो कर रही हूँ। यहाँ पर स्पेस है, कंटेनर्स फैक्ट्री से मिल जाते हैं, अपनी खुद की फैक्ट्री से, तो देखिए उनमें सारी सब्जियाँ ग्रो कर रखी हैं। और जब अपना परमानेंट एड्रेस होता है तो आप वहाँ पर मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, आप तरह तरह के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, क्यारियाँ भी परमानेंट बना सकते हैं। जगह नहीं है तो फिर अपने पास सिर्फ पॉट्स का ही ऑप्शन रह जाता है। और देखिए, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मेरे पास मेरा परमानेंट एड्रेस नहीं है तो मैं जो चीज़ मुझे अवेलेबल होती है उस चीज़ में मैं प्लांट्स ग्रो कर लेती हूँ, क्योंकि कभी जाना पड़े तो आपको टेंशन ना हो कि आपको अपने पॉट्स छोड़ के जाने पड़ रहे हैं। ये देखिए, सारे पॉट्स में गाजर, पुदीना, पत्ता गोभी, इधर अगेन ये मूली है छोटी वाली, ये फूल गोभी है, और ये कंटेनर है, इनमें अभी भिंडी सेम वगैरह मतलब उनके सीड्स डाल दिए हैं। और ये देखिए कितने बड़े बड़े गुलाब खिल रहे हैं। बार बार एक ही चीज़ अपने वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, और मैं अपने वीडियोस बनाती भी इसीलिए हूँ कि अगर मेरे वीडियोस देखकर कुछ लोग भी अगर गार्डनिंग स्टार्ट कर देते हैं टेरेस पर या अपनी छोटी छोटी जगहों पर, तो देखिए सब्जी ये अपने आप टमाटर जैसे मैं बताती हूँ अपने आप ग्रो हो जाते हैं कई बार सीड से। और आप इनका साइज़ देखिए, इनमें कुछ नहीं है, ऑर्गेनिक खाद है, गोबर की खाद, डीकम्पोज़र और कुछ भी नहीं है। और आप इनके साइज़ देखिए टमाटर के, और बंचेस में देखिए कितने बड़े बड़े टमाटर आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप केमिकल यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप सब्जियां ग्रो नहीं कर सकते हैं। ये देखिए, इधर सौंफ उगी हुई है, ये मूली अपने बीज बनाने लगी है, सेंगरी जिसको बोलते हैं वो आ रही है, तो आप सब्जी खा सकते हैं, कुछ आप सीड्स छोड़ देंगे तो ये बीज बन जाएंगे नेक्स्ट ईयर के लिए। ये सरसों का पैच है। ये देखिए अगेन कसूरी मेथी, और इसी के अंदर मैरीगोल्ड लगे हुए हैं। अपनी छोटी से छोटी जगह को आप यूटिलाइज करिए और गार्डनिंग करिए। एक बार स्टार्ट करिए, ट्रिक्स एंड टिप्स मैं बता दूंगी आपको बहुत सारे कि आप किस तरीके से बहुत कम बजट में गार्डनिंग कर सकते हैं। तो बस यही था आज का अगेन मोटिवेशनल वीडियो कि भाई
आप अपने टेरेसेस को खाली मत रखिए, उन पर अपना गार्डनिंग, चाहे वो आपकी मर्जी है कि आप क्या उगाना चाह रहे हैं। आपको अगर खाने की चीज़ें उगानी है तो खाने की, ऑर्नामेंटल उगाने हैं तो ऑर्नामेंटल, बट प्लांटेशन स्टार्ट कर दीजिए। कोई भी छत या टेरेस या बालकनी, टेरेस बालकनी या कोई भी ग्राउंड खाली ना रहे, बस ऐसे ही कलरफुल खिलते रहें और सब लोग हैप्पीनेस फैलाते रहें, क्योंकि ये जो फ्लावर्स जब खिलते हैं तो कितनी खुशी देते हैं ये सारे गार्डनर्स को पता ही है। तो फ्रेंड्स बस बने रहिए मेरे चैनल पर नेक्स्ट इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।